जय श्री राधे। जैसे कि मैंने ये मेरा लास्ट वीडियो है होली का, और ये हम पहुंच गए थे राधा कुंड। और यहाँ पे होली के नेक्स्ट डे भी होली थी, और ये थाने वालों की होली थी। ये तो आपको मैंने इससे पिछले वाले ब्लॉग में दिखाया था। और ये देखिए हमारे प्रभु जी, और हम पहुंच गए हैं राधा कुंड। अब सीधे जाएंगे हम राधा कुंड दर्शन करने। पहले हमने यहाँ से महादेव का आशीर्वाद लिया, और फिर हमने पूरी यहाँ से गोल परिक्रमा करके हम सीधे उस साइड गए। यहाँ पे दो कुंड है, एक राधा कुंड है और एक श्याम कुंड। जय जय श्री राधे श्याम। पहले तो मैं सोची कि स्नान कर लेती हूँ, लेकिन फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई तो मैंने अपनी माला का स्नान कराया है। यहाँ पे हमने जो कंठी पहनी थी उसका भी स्नान हमने यहीं पे करवाया था। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत दुर्भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो यहाँ पे स्नान करते हैं। बहुत महत्व है। अगर आपको नहीं पता है तो इससे पहले के ब्लॉग में मैंने अपलोड किया हुआ है सारी चीज़ें, तो आप देख सकते हैं। हम हमारे दोनों लल्ला के साथ आए थे यहाँ पे। फिर लल्ला का पता नहीं कैसे मन हुआ स्नान करने का, तो मैंने अपने दोनों लल्ला का स्नान करवाया वहाँ पे राधा कुंड में। उन्होंने डुबकी मारी, और जितने भी लोग थे वो सब वाकई हमारे लल्ला को इतना प्यार करके गए, क्या बताएं। देखिए छोटे लल्ला कितने खुश हैं हमारे। फिर हम राधा कुंड और श्याम कुंड में स्नान वगैरह करके फिर हम लोग आगे निकले परिक्रमा के लिए। हमने सोचा छोटी परिक्रमा कर लेते हैं, अगर बरसाना नहीं जा रहे थे, क्योंकि टाइम मैंने आपको जैसे बताया कि चेंज हो चुका है ऑलरेडी। फिर हम यहाँ पे आए दुकान पे, जहाँ पे आप देख रहे इतने सुंदर सुंदर तुलसी माला है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। मेरा बस चले तो मैं सब ले लूँ यहाँ पर। आपको छोटी से ले बड़ी तुलसी माला से ले बहुत ज़्यादा बड़ी तुलसी माला भी आपको मिल जाएगी, कंठी भी मिल जाएगी, माला भी मिल जाएगी, जाप माला, चैंटिंग बैग, मतलब सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलेगी। और मैंने यहाँ से दो चीज़ें ली थी, दो तुलसी की माला मैंने बड़ी ली थी, और मैंने कान में पहनने के लिए इयरिंग में राधे नाम की इयरिंग भी ली थी। और देखिए मेरे दोनों लल्ला कितने ज़्यादा खुश हैं। आज हमारा आखिरी दिन है यहाँ पे, तो हम छोटी परिक्रमा कर लेंगे और हम जाएँगे नेक्स्ट एक बहुत ही बड़े संत हैं वृंदावन में, उनसे मिलने। इससे पहले हमने रस्ते में देखा कि ये प्रभु जी दंडवत परिक्रमा कर रहे, तो जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट परिक्रमा है, मैं आपको क्या बताऊँ। फिर हम जैसे ही आगे परिक्रमा के लिए निकले तो हमने यहाँ पे देखा ललिता कुंड। ये मेरे लिए शॉकिंग था, क्योंकि मैंने कभी इससे पहले ये नहीं देखा था। साफ़ सफाई नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को या यहाँ के लोकल लोगों को ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये हेरिटेज हैं हमारी, पौराणिक चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत ध्यान ज़रूर देना चाहिए। फिर हमको बहुत ही सुंदर पेंटिंग दिखी ललिता सखी की यहाँ पर, तो हमने थोड़ा पोज वोज किया। फिर यहाँ से आगे बढ़े और हमें बहुत प्यारे दिखी हमारे सुंदर से श्री कृष्ण जी का मंदिर दिखा यहाँ पर। फिर हम यहाँ से आगे निकले और हमें एक बहुत ही पुराने संत दिखे जो 110 साल के हैं, और सिर्फ हरिनाम संकीर्तन करते हैं, माला का जाप करते हैं। जब भी ये वृंदावन में, मैं आपको बताऊँ, ये आते हैं, ये मतलब बाहर निकलते हैं, तो पूरा वृंदावन इनका आशीर्वाद लेने के लिए बाहर निकल जाता है। और देखिए मेरे दोनों लल्ला कितने प्यार से इन्हें सुन रहे हैं। और ये आज हमारा आखिरी दिन है, आखिरी दिन में हमें इतने बड़े संत का आशीर्वाद मिला, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। फिर हमने यहाँ से इनका आशीर्वाद लिया और हम आगे निकले अष्ट सखी के मंदिर में, जो इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। गाने के लिए बहुत आगे मातले के माता पर जाएंगे सब, होली लोग आगे हम ठाकुर जी जो बन जाए, ठाकुर सेवा का जो बन जाए, आनंद हो, मंगल हो, सब ब्रजवासी का मंदिर में तो ठाकुर दान करने के गए। अच्छा फोटो भेजा है बाबा आज तक का फोटो आपका भी? अच्छा मेरा भी खेलो खेचो बम्बई ले जाओगे? हाँ बाबा ऐसे बंदर ले जाओगे, इनको क्या चीज़ है इसमें लटक रहे। तो हमने बहुत अच्छे तरीके से अष्ट सखी जी का दर्शन भी कर लिए, माता जी से बात भी कर ली, और अब हम वापस जा रहे हैं वृंदावन, और हम वहाँ से फटाफट चेंज करेंगे, लाला को भोग लगाएंगे और निकल जाएंगे। और सबसे बुरी चीज़ थी वृंदावन छोड़ के जाना, हमारे पास टाइम बहुत कम था, तो हम फटाफट लाला को भोग लगाए, उनके सोने का टाइम हो गया तो उनको सुला दिया, क्योंकि सुबह से बेचारे बहुत परेशान थे, घूम रहे थे इधर उधर। और आप मेरे चेहरे को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी उस वक्त, बहुत ज़्यादा मतलब मुझे बुरा लग रहा था, छोड़ के जाना नहीं था मुझे, इतने दिन रही मैं वहाँ, तो फिर ऐसा होता है ना थोड़ा सा कि वृंदावन का भाव ही ऐसा है, ये सारे भक्त जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ये सारी कुंज गलियाँ, यहाँ की टुन टुन, यहाँ के राधे राधे बोलना, सबका हर एक चीज़ मिस करूँगी मैं बहुत।
तो ये जी हम बैठ गए ट्रेन में, हमारे दोनों लल्ला भी बैठ गए, इनकी आंखें आप देख रहे हैं कितने लाल हो गई, ये होली खेलने का नतीजा है। फिर हमने इनको फटाफट भोग भी लगा दिया था क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम भोग का हो गया था, और चेहरा उतरा हुआ है सबका क्योंकि किसी का जाने का मन नहीं था। एक भक्त जानता है वृंदावन छोड़ के जाने का क्या भाव हो सकता है। हम लाला से प्रार्थना करेंगे कि हमें वापस वृंदावन बुलाए और हमें ये सौभाग्य दे कि हम वापस से वृंदावन धाम आए और प्रभु के दर्शन करें और भक्ति में ऐसे ही आगे बढ़ें। अब हम सीधे पहुंच जाएंगे कल दोपहर तक हम मुंबई, फिर हम लाला को भी सुला देंगे, कल सुबह मिलते हैं। हरी बोल, जय श्री राधे। तो अभी हमने बरोड़ा क्रॉस किया है, हम वृंदावन से जा रहे हैं वापस मुंबई। ये हो गया सुबह का टाइम, हमने मैं लल्ला को उठा दिया है, हाथ में हिला दिया बढ़िया तरीके से, पानी पिला दिया, हम उनको दूध पिलाएंगे क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हमने दूध की व्यवस्था कर पाए। अब उनको दूध पिलाएंगे, फिर हम 2-3 बजे तो वैसे ही मुंबई पहुंच जाएंगे, तो हमारे लल्ला के लिए बढ़िया सा घर जाके खाना बनाएंगे। हरी बोल। वैसे तो हमने कल रात को इनको मिठाई और हमको दही मिल गई थी तो हमने वो खिला दिया था, बट हमको दूध के अलावा और कोई चीज़ मिली नहीं, और मुझे बाहर का उनको कुछ खिलाना नहीं था। मिल तो बहुत सारी चीज़ें रही थी बट समझ में नहीं आता है ना बाहर में कि क्या खिलाया है, साफ़ सुथरा होगा कि नहीं, तो हमने दूध पिला दिया था। जय श्री राधे। हरी बोल। तो ये हम पहुंच गए हैं मुंबई और अभी हम उतरेंगे यहाँ पे बोरीवली स्टेशन पे। और इससे पहले मैंने एक्चुअली अपने गोपाल जी को सुला दिया था दोनों को, इसीलिए क्योंकि सुबह जल्दी उठा दिया था मैंने और दोपहर का भूख लगा कि उनका सोने का टाइम हो जाता है, तो मैंने ऑलरेडी उनको सुला दिया। घर पहुँच के फिर इनके लिए भोग भी तैयार करना है मुझे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी दिन से कुछ अच्छे से खाया नहीं है, सिर्फ मीठा खा रहे थे कॉन्स्टेंटली, मीठे के शौकीन है ना इसीलिए। वैसे भी इतनी ज़्यादा होली खेल ली थी हमने वृंदावन में कि इन दोनों की आंखें भी एकदम लाल हो गए, पूरा कलर चेंज हो गया है, ऊपर का पूरा मेकअप ख़राब हो गया है, मेरी भी पूरी स्किन टैंग हो गई। अगर मैं बिना फिल्टर की वीडियो बनाऊंगी ना तो मुझे खुद भी एक मिनट के लिए डर लगने लगा, मेरे कंठे का कलर भी देखो कैसे बदल गया है। ये ब्रिज की होली की हालत है। कल हम जब ट्रेन में बैठे थे तो मेरे को ऑलरेडी बहुत तबीयत सी ख़राब लग रही थी, गले में दर्द था, सर्दी जैसा हो रहा था, तो मेडिसिन खा के सोए हैं हम और देखते हैं। हरी बोल। इतना बड़ा हाईलाइट हो गया है कि मेरा फोन का ना फेस आईडी नहीं, मतलब फेस आईडी का लॉक नहीं खुल रहा, मेरा चेहरा पहचानने से इनकार कर दिया है। मैं सुबह से 5 बार ओपन करने की कोशिश कर रही हूँ, फेस आईडी से ओपन ही नहीं हो रहा है लॉक। आइए देखिए, ये हम बैठ गए ऑटो में, अब सीधे जाएंगे यहाँ से घर, स्नान वगैरह करेंगे, लल्ला को थोड़ी देर हम सोने देंगे, फिर बनाएंगे मिट्टी के लिए भोग। अरे वो बहुत ज़्यादा गर्म है। जय जय श्री राधे। हरी बोल। तो ये देखिए आज दोपहर के भोग में हमने लल्ला के लिए क्या बनाया है, ये देखिए, ये राइस जो हमने डेकोरेट किया ऐसे हार्ट शेप में, और हमारे लल्ला के लिए ये मलाई पनीर बनाई है आज हमने। ये हमारे दोनों बच्चों का भोग है आज का, ये मलाई पनीर फर्स्ट टाइम हम बनाए हैं, देखते हैं दोनों को अच्छा लगे तो अच्छा है। हरी बोल, जय श्री राधे।